हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा क्राफ्ट इंस्पायर है यंग फॉरएवर सॉन्ग के साथ, जो कि बीटीएस का है ऑब्वियसली। तो फटाफट से यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक वाटर कलर शीट ली है और इस पर मैं एक पैराशूट बलून का शेप दे रही हूँ, और इसकी जो लाइंस हैं जहाँ मुझे कलर करने हैं इसको मैं पूरा लिख देती हूँ पेंसिल की हेल्प से, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। फटाफट से यहाँ पर कर लेते हैं कलर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पर्पल कलर का यूज़ किया है और मैं इसको फिल करती जाऊँगी। मुझे इसे कलरफुल बनाना है, इसलिए मैं इसमें बहुत सारे कलर यूज़ करने वाली हूँ। वैसे आपको यंग फॉरएवर सॉन्ग कैसा लगता है बीटीएस का, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मैं ब्लैक मार्कर की हेल्प से इसकी थोड़ी आउटलाइन कर दूंगी। अब मैं ब्लैक मार्कर की हेल्प से पैराशूट के नीचे इसका बॉक्स भी बना लेती हूँ। अब ब्लैक मार्कर की हेल्प से मैं पैराशूट को बिल्कुल कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर बॉक्स के अंदर मैंने बीटीएस लिख दिया है। ब्लैक मार्कर का यूज़ डूडल बनाने के लिए, मैंने जो डूडल ड्रॉ किया है ये सैड इसलिए है
कि जो यंग फॉर एवर सॉन्ग है उसमें BTS ने अपनी आर्मी के लिए बहुत सारा प्यार जताया है, उनको खोने के डर की परवाह जताई है, जिसको सुनकर आर्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पर मैंने यंग फॉर एवर का स्टिकर लगा दिया है, और क्योंकि ये डूडल हमारा आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं यहाँ पर आर्मी का स्टिकर लगा देती हूँ। और अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे हार्ट्स बनाए हैं, ये हमारी आर्मी का BTS के लिए प्यार है जो कि हमेशा रहने वाला है, जो कि आर्मी BTS से प्रॉमिस करती है कि आर्मी का प्यार BTS के लिए हमेशा बना रहेगा। की हेल्प से इस आर्मी के माइंड में क्या चल रहा है ये थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो आर्मी के माइंड में ऑब्वियसली एक ही चीज़ चलती है, वो है BTS। सो मैंने उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया है, और मेरा ये यंग फॉर एवर से इंस्पायर क्राफ्ट तैयार है, और मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।